फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज है मेरे पास महिंद्रा की तरफ से आने वाली थार। RWD में भी आने लगी है जो रियर व्हील ड्राइव है, जिसमें दो पहिए जान लगाती हैं। लेकिन मेरे पास है ये 4x4, जिसमें चारों पहिए जान लगाते हैं। और जो इसका छोटा लीवर है, गियर लीवर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से गियर दिए हुए हैं। 2H, 4H, यहाँ पर N4 न्यूट्रल और 4L। मैं इस गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूँ 2000 RPM के ऊपर। फर्स्ट गियर में गाड़ी को लगा के 2H पे भी चलाने वाला हूँ, 4H पे भी चलाने वाला हूँ और 4L पे भी चलाने वाला हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी स्पीड 2000 RPM में इस गाड़ी के रखने वाला हूँ और कौन सा गियर में ज्यादा स्पीड देती है निकाल के 2000 RPM के ऊपर। 4L में कितनी देती है, 4H में कितनी देती है, 2H में कितनी देती है। बड़ा लीवर हमारा फर्स्ट गियर में रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त विशांत। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं लगाता हूँ अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में और सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ 4H 2H में। मतलब सबसे पहले 2H की तरफ चलते हैं और मैं अब गाड़ी को 2000 RPM के ऊपर लेके चलने वाला हूँ। देखते हैं भाई कितनी स्पीड ये गाड़ी हमें निकाल के देती है। आगे रोड खाली है बिल्कुल, मौसम बहुत शानदार हो रहा है जैसा आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट गियर में मैं इसको 2000 RPM के ऊपर ड्राइव करने वाला हूँ। अभी आप देखिए 2000 RPM के ऊपर करीब करीब 20 की स्पीड निकाल के दे रही है भाई फर्स्ट गियर में। 2H में फर्स्ट गियर में इस गाड़ी ने दिया है हमें 20 की स्पीड को निकाल के। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4H के बारे में। अभी आप देखिए यहाँ पर कोई भी साइन वगैरह नहीं दिख रहा है मुझे। तो जैसे ही मैं इस गाड़ी को 4H के अंदर इंगेज करता हूँ, आप देखिए इसका डिफरेंशियल लॉक हो चुका है भाई इस टाइम। और अभी ट्रैक्शन ऑन है इस गाड़ी का, मैं यहां से इसका ट्रैक्शन भी ऑफ कर दिया है। और अब देखते हैं भाई इसको चला के कि अब 4H में कितनी स्पीड निकाल के देता है। 2000 RPM के ऊपर ही मैं इसको ले जाने वाला हूं। आप देखिए कि ये 2000 RPM के ऊपर भी इसमें भी 20 की स्पीड पे ही चला है, ट्रैक्शन इसका ऑफ है, आप यहां पर देख सकते हैं। और मैंने 4H के फर्स्ट गियर में ये गाड़ी ड्राइव की है, 20 की स्पीड ही इसने निकाल के दी है। लेकिन अब सबसे मेन गियर जो आता है वो आता है हमारा 4L। H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो। अब देखते हैं भाई लो गियर में क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी की पावर है उसमें 4L में डालते ही ये गाड़ी के टायर जो है कम स्पीड में घूमने लगेंगे और हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो टॉर्क को ज्यादा प्रोवाइड हमें निखर के देगा। तो अब देखते हैं भाई 4L में लगा के। मैंने यहाँ पर प्रेस किया और 4L यहाँ पर इंगेज कर दिया है मैंने। ट्रैक्शन अब इसका ऑन कर देते हैं। अब आप देखिए 4WD लो आ चुका है और अब देखते हैं भाई इस गाड़ी को चला के कि किस कितनी स्पीड ये निकाल के देती है। भाई हाफ से भी कम स्पीड हो चुकी है इस टाइम गाड़ी जो दे रही है भाई, टॉर्क निकाल के दे रही है और सड़क से चिपक के चल रही है बिल्कुल। मतलब अगर आपकी गाड़ी कहीं पर भी कीच वगैरह में, मड वगैरह में फंस जाती है तो आप लो गियर में लगा के 4WD में लगा के आराम से भाई इसको निकाल सकते हैं। आप यहां पर क्लियरली मेंशन हमें दिख रहा है RPM मीटर के अंदर 4WD लो, यानी कि चारों पहिया इस टाइम जान लगा रहे हैं व्हील ड्राइव और लो गियर में ये गाड़ी हमारी इंगेज। तो आपने देखा कि छोटा वाला जो गियर है 2H में, 4H में और 4L में कितनी स्पीड हमको ये इंजन निकाल के देता है। ये सिर्फ महिंद्रा थार के अंदर आता है। अभी जो है ये गुरखा वगैरह में, फोर्स वगैरह में अलग अलग स्पीड है, लेकिन मैंने यहाँ पर थार की टेस्ट की है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम हैंडल शो हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।